राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे अष्टमी तिथि को और नवमी तिथि को पूजन कैसे किया जाता है। चाहे आप अष्टमी तिथि को पूजन कर रहे हैं या फिर आप नवमी तिथि को पूजन कर रहे हैं, कन्या पूजन से पहले माता रानी का पूजन किया जाता है और माता रानी को भोग समर्पित किया जाता है, उसके बाद ही हम कन्या पूजन करते हैं। तो हमें कैसे पूजन करके कन्या पूजन करना है, इसी के विषय पर आज का वीडियो है। अष्टमी तिथि के दिन या नवमी तिथि के दिन सबसे पहले स्नान आदि करके चौकी की हम साफ सफाई कर लेंगे और एक लोटा जल ले लेंगे और सभी को जल के छींटे लगाते हुए स्नान कराएंगे, यानी शुद्धिकरण करेंगे। भाव स्वरूप हमें सभी को स्नान करा देना है। तो सबसे पहले पूजा में हम देसी घी का दिया जला लेंगे। इसके बाद सभी को रोली से तिलक करेंगे, चंदन से तिलक करेंगे, भगवान गणेश को तिलक करेंगे, माता रानी को रोली से तिलक करेंगे और ज्वारे को तिलक करेंगे, दिए को तिलक करेंगे और जो हमने नवग्रह जो हमने स्थापित किए हैं उन पर हमें सूखी रोली समर्पित करनी है। अगर हम गीली रोली से तिलक करते हैं तो उनको हिलने का डर है, तो इसलिए सूखी रोली समर्पित करनी होती है। इसी प्रकार हम कलश का भी पूजन कर लेंगे। सभी को तिलक लगाने के बाद में तिलक पर अक्षत समर्पित करेंगे, यानी चावल सभी को समर्पित करेंगे। और अगर आपने नवग्रह की स्थापना नहीं की है तो इस बात को आप स्किप कर सकते हैं। सभी को फूल समर्पित करेंगे। अगर आपको लाल कलर के फूल मिल जाते हैं माता रानी को समर्पित करने के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर लाल कलर के पुष्प नहीं मिलते हैं तो जो भी आपके पास हैं वो माता रानी को समर्पित करेंगे, भगवान गणेश को समर्पित करेंगे, ज्वारे को समर्पित करेंगे, कलश को समर्पित करेंगे, दिए को समर्पित करेंगे। इसी प्रकार हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। अगर आपको फूल नहीं मिलते हैं तो आप बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद माता रानी को भोग समर्पित करेंगे। भोग में बतासा समर्पित करेंगे। अष्टमी या नवमी तिथि की पूजा आप कर रहे हैं तो उसमें हलवा पूरी और चना का भोग जरूर समर्पित किया जाता है। और जब हम कन्या पूजन करते हैं तो पहले माता रानी को भोग समर्पित किया जाता है, उसके बाद ही कन्या पूजन किया जाता है। साथ में ही हम फल समर्पित करेंगे, एक लोटा जल समर्पित करेंगे। अब हम एक छोटा सा हवन करेंगे। तो जब भी हम माता रानी को भोग समर्पित करते हैं तो लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ाते हैं। तो दो लौंग के जोड़े कहीं कहीं पर चढ़ाए जाते हैं, कहीं एक लौंग का जोड़ा चढ़ाया जाता है। जिस प्रकार आपके यहाँ होता है आप उसी प्रकार लौंग के जोड़े चढ़ाइएगा। तो देखिए, इस तरीके से गाय के उपले को सुलगा कर यानी जला करके कपूर रख करके उसमें आग जला ली जाती है, उसके बाद लौंग के जोड़े चढ़ाए जाते हैं। लौंग आप साबुत लें, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, यानी लौंग पर ऊपर फूल बना होना चाहिए। तो लौंग के जोड़े को घी में डिप करके उसके बाद हवन में समर्पित किया जाता है। उसके बाद बतासा समर्पित करेंगे, हवन सामग्री समर्पित करेंगे और जो भी आपने भोग बनाया है, हलवा, चना, पूरी, उन सभी का हम भोग समर्पित हवन में भी करेंगे। तो जो भी आपने पूरी, हलवा, चना बनाया है वो सब माता रानी को समर्पित करेंगे। माता रानी को हलवा चना बहुत अधिक प्रिय होता है, इसलिए माता रानी को हलवा चना का भोग समर्पित किया जाता है। माना जाता है जो भोग हम अग्नि को समर्पित करते हैं वह देवताओं को सीधा प्राप्त होता है, इसलिए जब हम बड़ा कोई अनुष्ठान करते हैं तो अग्नि में ही भोग समर्पित किया जाता है। इसके बाद जल के छींटे लगा देंगे। जिस दिन आप कन्या पूजन करेंगे उस दिन आपको इसी प्रकार पूजा करनी है। इसके बाद माता रानी को धूप दीप दिखाएंगे और आरती करेंगे। पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद माता रानी की आरती करेंगे। आप चाहें तो कपूर आरती भी कर सकते हैं या आपने जो दिया जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूजन करना होता है। और हमने जो जल का लोटा ले रखा है उसे सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और हाथ जोड़कर पूरे 9 दिन की पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा प्रार्थना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। पूजा हमारी जब पूर्ण हो जाएगी इसके बाद हम कन्याओं को भोजन कराएंगे, यानी भोजन कराना होता है। जब आप कन्याओं को भोजन कराएं तो जो भोग आपने चढ़ाया है उसमें से आप चाहें तो गाय को दे सकते हैं ये भोजन, या आप चाहें तो जैसे कन्याओं को जब भोजन कराते हैं आप थोड़ा थोड़ा प्रसाद इसमें से प्लेट में रख सकते हैं, या आप चाहें तो गाय माता को भी सारा भोजन दे सकते हैं।
जो भी फल आपने समर्पित किए हैं वो सभी में से प्रसाद थोड़ा थोड़ा हम कन्याओं की प्लेट में रख देंगे और नारियल को पूजा पूर्ण होने के बाद सभी कन्याओं में प्रसाद स्वरूप हम बांट देंगे। तो इसको उठा करके आप चाहें तो तुरंत तभी पूजा पूर्ण होने के बाद में इसको फोड़ सकते हैं, या कुछ लोग ऐसा करते हैं पंडित को या मंदिर में कहीं दान दे आते हैं तो जिस प्रकार आपके यहाँ होता है आप उस प्रकार कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो इस नारियल को पूजा पूर्ण होने के बाद में फोड़ लिया जाता है और घर के सभी सदस्यों में, कन्याओं में, सभी में ये प्रसाद स्वरूप बांट दिया जाता है। या आप चाहें तो नारियल को किसी को दान भी कर सकते हैं या नदी में प्रवाहित भी कर सकते हैं। कन्याओं को जब अपने घर बुलाएं तो उनके पैर धोएं और कन्याओं के पैर पूजन करें, आसन देकर तिलक लगाएं, उसके बाद भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद पैर छूकर कन्याओं को दक्षिणा दें और हलवा पूरी चना प्रसाद जरूर दें। चाहे आप थोड़ा थोड़ा ही प्रसाद दें लेकिन जाते समय कन्याओं की प्लेट खाली नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो कन्याओं के लिए कोई गिफ्ट ला सकते हैं, या आप चाहें तो नौमी तिथि को या अष्टमी तिथि को गरीब बस्ती में जाके कन्याओं को भोजन करा सकते हैं, क्योंकि जहां भोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है वहां पर भोजन कराया जाए तो उसका अधिक लाभ होता है और माता रानी भी प्रसन्न होती हैं। तो इस प्रकार दुर्गा अष्टमी और नौमी पर पूजन किया जाता है। बहुत आसान तरीके से ये पूजा की जाती है। अगर ये सरल तरीका आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।